टेक्मा यूट्यूब चैनल में हूँ आपका अपना राज भाई, और आपके सामने है रॉनिन 225 और मोडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्रैश गार्ड, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का है, फोर सिलेंडर के साथ होता है आपका, कंफर्टेबल राइड भी करता है, साथ में लेग भी सेफ करता है, टैंक भी सेफ करता है और बॉडी को भी गाड़ी करता है पूरी सेफ। इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको इस तरफ भी देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर लीवर गार्ड, जो कार्बन फिनिश के साथ है, कार्बन ब्लैक मैचिंग के साथ है आपका, जिससे आपकी लीवर और हैंड दोनों ज़्यादा प्रोटेक्ट, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो आपको मोटोमाइल्स का इसके अंदर मिल जाता है मोबाइल होल्डर, जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ है, USB 3.0 की फास्ट चार्जिंग, मोबाइल भी अच्छी तरह से होल्ड हो जाता है इसके अंदर, ख़राब होने की टेंशन खत्म, मोबाइल टूटने की टेंशन खत्म, मोबाइल भी ख़राब नहीं होगा और चार्जिंग भी आपको बढ़िया मिलने वाली है इसके अंदर। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये आपका है टैंक पैड, टैंक पैड टैंक की प्रोटेक्शन के लिए होता है, जैसे कि राइड करते हैं तो राइड करते हुए जो बेल्ट वगैरह है वो इसमें लगने से टैंक में डेंट वगैरह स्क्रैच वगैरह आया था, तो उस केस में ये टैंक पैड किसी भी तरीके का लगवा ले, जो कि अच्छा भी लगता है और साथ में आपको सेफ्टी मिलती है। साथ में इसमें लगे हुए थाई पैड, ये थाई पैड भी देख सकते हैं, ये थाई पैड भी स्क्रैचेस वगैरह से बचाते हैं, साथ में लुकिंग को भी कर देता है इनहेंस, ऐसा लगेगा नहीं कि बाहर से लगाया, ऐसा लगेगा जैसे कंपनी से आपका लगा हुआ है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके अंदर टॉप रैक, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ है, टॉप रैक प्रॉपर फिटमेंट मिलेगी इसके अंदर, ये टॉप रैक आप देख सकते हैं, साथ में आप चाहो तो इसके अंदर सडल स्टे, टॉप बॉक्स, पैनियर सब कुछ इसके अंदर लगवा सकते हो आप इजी टू राइड के लिए, टूरिंग मोड के लिए। और साथ में लगा दी गई इसके अंदर बैक रेस्ट, जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी की है, इससे प्लेन राइडर को बैठने में होती है काफ़ी आसानी, गिरने का खतरा हो जाता है ख़त्म। तो ये टॉप रैक और बैक रेस्ट, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर लग चुकी है। अब पीछे दिखाएंगे आपको, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा टायर अगर, जो कि टायर अगर का जो मेन यूज़ है वो देख सकते हैं आप, जो आगे की डस्ट वगैरह आती है ना, ये जितनी भी डस्ट वगैरह जाती है तो उसको रोकने के लिए टायर अगर लगाया जाता है, रिफ्लेक्टर वाला लगाया गया है। नॉर्मली सिंपल भी आता है, फैंसी भी आता है, बट ये क्या है, कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसमें लगाया गया है, क्योंकि काफ़ी लुकिंग भी इनहेंस करता है और साथ में सेफ्टी भी इसकी मिल जाती है। तो ये तो थी बाइक की मॉडिफिकेशन।